हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो एडवांटेज ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर है, यानी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन होने से क्या क्या एडवांटेज है उसको हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और जो भी लोग मेरे दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको भी पता चले कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका लोअर रनिंग कास्ट ऑफ लोकोमोटिव एंड मल्टीपल यूनिट, यानी जो इसका रनिंग कास्ट होता है इलेक्ट्रिक इंजन का, वो कंपेयर टू डीजल इंजन का कास्ट जो लगता है, जो डीजल इंजन को चलाने में, उससे कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजन में, तो इसलिए इसको आदमी इसलिए इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता है चारों तरफ कि आपका जो डीजल इंजन के ऊपर ज़्यादा कॉस्ट वेस्टेज हो रहा है उसको कम किया जाए। सेकेंड नंबर है फास्टर एक्सेलरेशन, यानी ये क्या करता है डीजल इलेक्ट्रिक इंजन, इसका पिकअप भी तुरंत पकड़ता है और कंपेयर टू डीजल इंजन इसका स्पीड ज़्यादा होता है। थर्ड नंबर है लेस नॉइज़ पोल्यूशन, यानी डीजल इंजन आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, जैसे पहाड़ों पर चढ़ता है, चाहे पिकअप बना कर जब मतलब चलता है, चाहे ज़्यादातर मालगाड़ी को आपने देखा होगा तो उसमें बहुत आवाज़ करता है वो, तो इसमें डीजल आपका इलेक्ट्रिक इंजन में लेस नॉइज़ पोल्यूशन होता है, उसमें कम ज़्यादा इतना आवाज़ नहीं करता, वो पूरा पास आने के बाद पता चलता है कि कोई इंजन आ गया। ठीक है, जब तक हारा नहीं मारेगा। सेकंड है, फोर्थ है लोअर पावर लेस एट हायर एल्टीट्यूड, मतलब ये आपका कम पावर में, और जैसे आपका चढ़ान हो गया, चाहे नॉर्मली जो चलता है उसमें उतना ही जो पावर कंजप्शन करेगा उतना ही नॉर्मल में ही वो चलता है। मतलब जैसे कि आप डीजल इंजन में देखते होंगे, यदि कोई पहाड़ वगैरह या कोई थोड़ा सा ऊंचा उस पर जब चढ़ता है तो बहुत ज़्यादा साउंड और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन छोड़ता है, उसके बाद से वो मतलब आवाज़ तो बहुत ज़्यादा करता है, तब जाकर उसमें ज़्यादा खपत होता है। और ये इलेक्ट्रिकल में क्या है, वो अपना जितना नॉर्मल में चलता है उतना ही पावर लेस में वो आगे का भी काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पांच नंबर जो है लैक्स ऑफ डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल एज फ्यूल, यानी जो हम लोग क्रूड ऑयल के ऊपर, जो तेल के ऊपर हम लोग निर्भर है, उससे हमें डिपेंडेंस यानी छुट्टी मिल जाएगा, निर्भरता कम होगा। ठीक है, ये सब कुछ एडवांटेज है जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन होने से फ़ायदे होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो सही लगा होगा। प्लीज चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एनी वीडियो में क्या क्या और सुधार किया जा सकता है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।